Very good morning to all. तो हम लोग प्रोनाउंस पढ़ रहे थे, ओके? तो वी विल कंटिन्यू प्रोनाउंस, हम लोग प्रोनाउंस को ही कंटिन्यू करेंगे. और पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रोनाउंस के बारे में पढ़ लिया था. आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पेज नंबर 61 पे है, और पोजेसिव प्रोनाउंस है ना. आज हम लोग पोजेसिव और प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, ओके? तो पोजेसिव प्रोनाउंस ये क्या होते हैं, है ना. तो पोजेसिव प्रोनाउंस ए प्रोनाउन यूज टू शो ऑनरशिप. ये क्या होता है, यूज टू शो ऑनरशिप, यानी ऑनरशिप दिखाने के लिए जो है हम लोग पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, और या पोजेशन है ना. ऑनरशिप और पोजेशन इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन. जैसे मैं बोलता हूं ना कि ये हमारी बुक है, ये मेरी बुक है, तो इसका मतलब क्या कि इसका पोजेशन जो है वो मेरे पास है, यानी इसके ऑनरशिप मेरे पास है, यानी इसके मालिक हम हैं, है ना. जैसे मैं बोलता हूं दिस इज माइन, ये मेरा है ना. दिस मार्कर इज माइन, है ना. और दिस इज योर्स, ये आपका है. तो ये आपका, मेरा, उनका, इनका, ये क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है. क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है. इसको इंग्लिश में हम लोग माइन है ना, MINE माइन, और फिर हिज या फिर हर या फिर सॉरी हर्स, फिर देयर्स है ना, एंड योर्स आर पॉजेसिव प्रोनाउंस. ये सब क्या है, ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन, ये सब के सब क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, राइट. तो जैसे देखिए एग्जांपल्स देखते हैं हम. Okay. तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि दैट वाटर बोटल इज माइन. यहां कौन सा वर्ड यूज हुआ है, माइन. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, दिस लंच बॉक्स इज हर, है ना. यहां पे आप जो दो वर्ड्स देख रहे हैं, ये माइन और हर, ये क्या है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है. That water bottle is mine, यानी वो जो water bottle है वो किसका है, यानी मेरा है, वो mine means मेरा है, यानी हम बोल रहे हैं कि उस bottle, वो bottle जो है वो मेरा है, तो ये possessive pronoun हो गया. यानी हम उस पर ownership दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि उस bottle के का owner हम है, है ना. This lunch box is hers, हम अब ये कह रहे हैं कि यह जो lunch box है ये उसका है ना. तो ये क्या हो गया, उसका, उसकी, ठीक है. तो ये भी पॉजेसिव प्रोनाउन है, हम बता रहे हैं कि इस लंच बॉक्स के जो ऑनर है वो है, यानी उसका लंच बॉक्स है, तो जिसका है वो उसका मालिक है. तो ये ऑनरशिप दिखाता है. ये सब जो वर्ड्स हैं, माइन, हिज, हर्स एंड योर्स एंड देयर्स इज ए पॉजेसिव प्रोनाउन, राइट. अब यहां पे एक टेबल दिया हुआ है, हेयर इज अ टेबल दैट शो हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन आर यूज्ड, ठीक है, ओके. तो चलिए अब हम लोग इस टेबल का स्टडी करते हैं. अब देखिए यहां पे एक टेबल है,
खींचते हम लोग, ठीक है, फिर एक लाइन खींचते हम लोग और यहां पे है फर्स्ट पर्सन। हमको मैं इस तरह से लिख देता हूं फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या हो गया, एक होता है सिंगुलर, है ना, एस आई एन जी यू एल ए आर, सिंगुलर, ओके। तो सिंगुलर में क्या क्या होता है, आई जो है वो आपका सिंगुलर प्रोनाउन है, मी जो है ये भी आपका सिंगुलर प्रोनाउन है, एंड माइन, माइन भी क्या है, सिंगुलर है। अब नेक्स्ट देखिए, इसी में है क्या, प्लूरल, देखिए नेक्स्ट है सेकेंड पर्सन, इसमें भी है सिंगुलर और प्लूरल,
अब देखिए इसमें चलिए अब इस टेबल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहां पे जो ये टेबल है ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस को का जो यूज है वो दिखाया गया है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होगा, है ना। तो फर्स्ट पर्सन जैसे सिंगुलर है तो वो आई मी एंड माइन है ना। तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, वी, आई का वी, मी का अश, माइन का आवर्स, है ना। आई मी एंड माइन ये कौन से फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है ना। और प्लूरल उसका क्या हो जाएगा, आई का वी, मी का अस एंड माइन का आवर्स। इसी तरह आप देखिए सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, जैसे यू एंड योर्स, इसका प्लूरल फॉर्म भी सेम ही होता है यू एंड योर्स का, है ना। ये जो प्रोनाउन है यू एंड योर्स, इसका प्लूरल सिंगुलर दोनों सेम ही होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आता है जैसे ही, हिम एंड हिज, ये सिंगुलर होते हैं। ही, हिम एंड हिज ये सिंगुलर होता है ना। और इसमें जैसे सी, हर एंड हर्स ये भी सिंगुलर है। तो ये ही, हिम एंड हिज ये मेल के लिए यूज होता है, मेल मीन्स बॉय। तो ये जो है आपका वो मेल के लिए यूज होता है। ठीक है, और सी, हर एंड हर्स ये फीमेल के लिए यानी गर्ल के लिए, महिलाओं के लिए और उमन के लिए यूज होता है ना। और ये मैन के लिए ही, हिम एंड हिज। और सिंगुलर इट भी जो है वो सिंगुलर होता है। तो इट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो न्यूटर एंड कॉमन जेंडर्स के लिए। किसके लिए, न्यूटर एंड कॉमन जेंडर्स के लिए, और उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, है ना। एंड इन सम केसेस लिविंग थिंग्स इफ वी डोंट नो द जेंडर्स। और कभी कभी हम लोग लिविंग थिंग्स के लिए भी करते हैं जब हम उसके जेंडर को नहीं जानते हैं, जब उसका जेंडर पता नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग इट का यूज लिविंग थिंग्स में भी करते हैं। इन सम केसेस लिविंग थिंग्स इफ वी डोंट नो द जेंडर। ठीक है, तो जब जेंडर पता नहीं हो तो उस केस में हम लोग लिविंग थिंग्स के साथ भी इट का यूज करते हैं। अब देखिए थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर कौन कौन से हैं, तो दे, देम एंड देयर्स। इसका यूज कहाँ होता है, तो यूज फॉर ऑल जेंडर्स एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसका यूज जो है हम लोग हर जेंडर्स के लिए, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी कर सकते हैं, है ना, और लिविंग के लिए भी एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, दोनों के लिए इसका यूज किया जा सकता है। तो ये टेबल है, हम लोगों ने देखा कि आई मी एंड माइन है ना, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं। वी, अस एंड आवर्स ये भी प्लूरल फॉर्म में भी मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और यू एंड योर्स, यू एंड योर्स ये भी मेल फीमेल दोनों के लिए होते हैं। थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर है वो ही, हिम और हिज ये सिर्फ मेल के लिए होते हैं। सिंगुलर थर्ड पर्सन में सिंगुलर जैसे सी, हर एंड हर्स ये फीमेल के लिए होते हैं, है ना। और इट जो है वो न्यूटर कॉमन जेंडर्स, न्यूटर जेंडर एंड कॉमन जेंडर्स के लिए होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होते हैं। और कुछ केसेज में जब हम
लिविंग थिंग्स में जो है यूज करते हैं जब हम उसके जेंडर्स को नहीं जानते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग इट का यूज करते हैं। और प्लूरल जो होता है दे देम एंड देयर्स, प्लूरल फॉर्म है ना थर्ड पर्सन में, तो ये क्या है, ये आपका सभी जेंडर में यूज होगा, मेल फीमेल दोनों में, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स दोनों में, है ना। तो ये टेबल है, ये आपके बुक में भी टेबल दिया हुआ है, ये आपके बुक का ही टेबल का जो है ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपने बुक में देखिए उसको अच्छी तरह से तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और ये बहुत ही क्लियर है, ये कोई ज्यादा और वास्ट नहीं है, ठीक है, इसको आप एक दो बार रीड करेंगे खुद से आपको सारा समझ में आने लगेगा। अब देखिए नीचे, और टिक द करेक्ट पजेसिव प्रोनाउन इन द ब्रैकेट्स, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब इसमें आपको टिक करना है। जैसे फर्स्ट है आई नो विलियम, आई नो विलियम रोट दिस द हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग इज, यहां पे दिया हुआ है माइन एंड हिज, ठीक है। तो यहां पे दो प्रोनाउन है माइन एंड हिज, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि आई नो विलियम रोट दिस, मैं जानता हूं कि ये जो है विलियम रोट, विलियम ने लिखा है ना, विलियम ने लिखा है, आई नो, आई नो विलियम रोट दिस, है ना, आई नो विलियम यानी ये किसने लिखा है, तो विलियम ने, मैं जानता हूं विलियम ने यह लिखा है, ठीक है। तो यहां पे विलियम है, और इस विलियम के लिए कौन सा प्रोनाउंस हम लोग यूज करेंगे, तो यहां पे लिखा हुआ है दिस द हैंड राइटिंग इज, तो इज जब ये विलियम ने लिखा है तो ये तो हमारा नहीं हो सकता, दिस इज माइन, दिस हैंड राइटिंग इज माइन तो नहीं होगा, तो दिस हैंड राइटिंग इज हिज यानी ये उसका लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग हिज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, फर्स्ट में हिज पे क्लिक करेंगे। इसी तरह सेकेंड में देखिए आई बाउट दिस ड्रेस, आई बाउट दिस ड्रेस फॉर यू, फॉर यू इट इज आवर्स एंड योर्स, ओके। तो यहां क्या लिखा हुआ है, आई बाउट दिस ड्रेस फॉर यू इट इज आवर्स योर्स टू कीप, तो आई बाउट दिस ड्रेस फॉर यू, आई बाउट मतलब मैंने ये ड्रेस किसके लिए खरीदा है, तो फॉर यू यानी आपके लिए, आई बाउट दिस ड्रेस फॉर यू, तो यू यानी कि आपके लिए, तो इट इज किसका होगा, तो ये किसका होगा, इट इज योर्स यानी ये तुम्हारा है ना, यू योर्स टू कीप, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, यहां तो हमने ना बोल सकते हैं जब हम आप बोल रहे हैं कि आई बाउट दिस ड्रेस फॉर यू, यह ड्रेस हमने आपके लिए खरीदा है, तो क्या हो जाएगा, इट इज योर्स ना हो जाएगा, ये आपका हुआ, ठीक है, वो हम फिर हमने ना ये बोल सकते हैं कि ये हमारा है, इट इज आवर्स, ये जब तब हम बोलते आवर्स कि जब यहां पर बोलते कि आई बाउट दिस ड्रेस फॉर मी, है ना, तो तो होता है, लेकिन यहां पे तो हम बोल रहे हैं फॉर यू, तो क्या हो जाएगा, यहां योर्स हो जाएगा, सेकेंड में क्या हो जाएगा, योर्स। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, इला अर्न्ड दिस मनी इट इज, थर्ड क्या है, आई एल ए इला अर्न्ड, ई ए आर एन ई डी अर्न्ड दिस मनी
इट इज एच ई आर एस हर्स एंड देयर्स टू इंजॉय, ठीक है, इंजॉय। यहां पे इला जो है अर्न की है दिस मनी, है ना, तो इट इज हर्स यानी ये उसका है। ओके तो क्या हो जाएगा, इट इज हर्स, एच ई आर, ओ सॉरी एक मिनट, हाँ तो इट इज हर्स। ओके इसी तरह नेक्स्ट फोर में देखिए, फोर में क्या है, इफ यू हैव नॉट बाउट योर टिफिन, इफ यू हैव नॉट, इफ यू हैव नॉट ब्राउट योर टिफिन, योर टिफिन, यू कैन शेयर माइन एंड योर्स। कह रहा है इफ यू हैव नॉट ब्राउट योर टिफिन, यदि आप अपना टिफिन नहीं लाए हैं तो यू कैन शेयर माइन, आप हमारा शेयर कर सकते हैं, है ना। ओके अब देखिए नेक्स्ट फाइव, वी हैव न्यू नेबर्स, वी हैव न्यू नेबर, एन ई आई जी एच बी ओ यू आर, वी हैव न्यू नेबर नेबर्स, दिस कार इज, दिस कार इज टी एच ई आई आर एस देयर्स एंड हिज, तो वी हैव न्यू नेबर्स यानी हमारे पास क्या है, नए पड़ोसी हैं, दिस कार इज देयर्स, ये कार उनका है, है ना। अब चलिए इसमें दो और हैं, राइट, ओके नंबर सिक्स, आई वॉन दीज मेडल्स मेडल्स फॉर एथलेटिक्स, है ना, ए टी एच एल ई TICS, TICS, athletics, they are mine and yours. Okay, I want these medals for athletics, they are mine and yours. आई वॉन्ट दीज मेडल्स, मैंने ये मेडल्स जीता है फॉर एथलेटिक्स, तो दे आर माइन, है ना, क्या हो गया, दे आर माइन। नंबर सेवन, आई हैव लॉस्ट माई इरेजर, ई आर ए एस ई आर, Can I borrow ours and yours? अब क्या है कि यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि I have lost my eraser, यानी मैंने अपना eraser खो दिया है, तो can I borrow ours? तो नहीं ना बोल सकते, हम किसी दूसरे से मांगेंगे तो कह सक, यही ना कहेंगे कि आप क्या आप हमें
उधार दे सकते हैं, बोरो दे सकते हैं, तो योर्स होगा, क्या होगा, योर्स। तो आई हैव लॉस्ट माई इरेजर, कैन आई बोरो योर्स, क्या मैं आपका इरेजर यूज कर सकता हूं, तो यहां पे योर्स होगा। ओके तो चलिए तो ये जो है आपका हो गया। इसके आगे और भी एक्सरसाइज है अभी डी, इसको अब हम लोग नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पे पिक्चर देख के सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओके तो इसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अभी आप इतना देखिए, समझिए इसको, और इसको करिए और खुद से भी पढ़िए जो पजेसिव प्रोनाउंस हैं उसके बारे में, और इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए। और फिर हम लोग इसे, इसके आगे जो एक्सरसाइज है जिसको कि पिक्चर देख के कंप्लीट करना है, उसको हम लोग कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके चलिए, हैव अ गुड डे।